अभी चला गया हूँ बैंगलोर। भैया और शानू भैया समझा रहा हूँ ना, सिर्फ टिकट ही नहीं आ मलिक साहब को स्ट्राइक जितना स्ट्राइक पे रखेंगे उतना टीम के लिए बेनिफिट है। दोनों बल्लेबाज आदि सुभाष भाई गरी में खेलना पसंद करते हैं, लेकिन और अच्छी गेम साढ़े 7,000 प्यार आपके लिए और 15,000 प्यार बीमा आपके लिए और साथ में काफी और जी कैप्टन कैप्टन को किस साढ़े 7,000 का प्राइज लेते हुए इनर टीम के कैप्टन को लो आमंत्रित करता हूँ, जो भी मंच पर आया और अपना आज की काफी फाइनल के काफी उठाए काके भैया कैश प्राइज जो है इनर टीम के लिए 15,000 का रखा था। मैं माननीय श्री सिंधा जी से अनुरोध करूंगा दो दिन को अपने हाथों से प्रदान करें। मैं ही पूछूं। अच्छी रहती है। तो नमस्कार, आपकी जो आपने अभी ट्रॉफी जीती हमने अभी पूरा आपका लाइव दिखाया, तो भाई आप बताएं अपना नाम और अपनी टीम का नाम और आपको कितनी खुशी है कि आपने यहाँ पे ट्रॉफी जीती है इस वक्त, बताएं। बलवान सिंह है। हाँ जी। और मैं बेसिकली फ्रॉम पटनगढ़ तहसील लाठी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर और मैं अपने तहसील को डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट किया अंडर 19 और यहाँ पे एक अच्छी टूर्नामेंट हो रही थी, सोचा कि अपने गांव को गांव का क्रिकेट यूथ को प्रमोट करते हैं और उनको बताते हैं कि नशे से दूर रहे, उनसे मतलब एक अवेयर बताते हैं उनको कि आगे जाके गेम गेम की तरफ ज़्यादा जाना है, नशे की तरफ जा रही है यूथ, तो उसके लिए हमने सोचा कि तो बलवान सिंह जी आपने कहा कि आपने अंडर 19 स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, तो आपका जो जो आपके सराउंडिंग एरियाज हैं खासकर चनैनी टाउन है, आप इनके लिए कोई यूथ के लिए कोई एक मैसेज जो दें कि आपने अगर रिप्रेजेंट किया तो आप रोल मॉडल है इस इलाके के, तो नेचुरली लोग आपको फॉलो करते होंगे और ये आपको दिखा भी रहा कि आपने ये जो है ट्रॉफी जीती है, तो अपने यूथ्स के लिए कोई मैसेज। जी सर, सबसे पहले मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा कुछ कहना है कि जो हमारे एरिया में जितना भी पहाड़ी एरिया आता है, हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि एक ग्राउंड मिले, अच्छा ग्राउंड मिले खेलने के लिए। हमें चनैनी आना पड़ता है, इधर से 25 किलोमीटर है पटनगढ़, और वहाँ पे जाके पीछे लाठी जाओ तो कोई ग्राउंड नहीं मिलता है। हम चाहते हैं कि हमें एक अच्छा ग्राउंड मिले खेलने के लिए, कि हमारा क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल हम करें, थोड़ा फाइट करें जाके, पता चले हमें लड़कों को, हमें जम्मू जाना पड़ता है, उधमपुर जाना पड़ता है, कहीं कहीं दूर जाना पड़ता है। यूथ से मेरा यही मैसेज है कि नशे से जितना दूर रहें तो बेस्ट रहेगा। अगर स्पोर्ट्स में कोई भी जरूरी नहीं है, क्रिकेट में आओ, किसी भी आप फील्ड में जा सकते हो, वॉलीबॉल में जा सकते हो, कबड्डी में जा सकते हो, किसी में भी जा सकते हो, लेकिन मैसेज यही रहेगा कि आप नशे से दूर रहें और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जितना आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं तो करें। आपको एक और मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जहाँ हमारे छोटे अमरनाथ जी, जहाँ ऊपर जो छोटे अमरनाथ जी के, तो आपने रनर अप ट्रॉफी जीती है, बड़ी मुबारक आपको, क्योंकि फाइनल में पहुंचना जीत हार अलग बात है, लेकिन फिर भी आपने मुकाबला किया और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मैं देख रहा था आपने मैच जीता है, तो पहले सबसे पहले आपको मुबारक है। तो सर आप बताएं, अपना नाम बताएं और आपकी टीम का नाम बताएं। चनैनी क्रिकेट क्लब। जी जी। आज का सर हमें थोड़ा खुशी भी है और सर अब तो ज़्यादा से हम हार भी गए हैं, चलो नेक्स्ट हम और तैयारी करके आएंगे सर। मील मलिक जी, आपका चनैनी क्रिकेट क्लब रनर अप रहा है,
आपको प्राइज़ भी मिला है, आपको कैश प्राइज़ भी यहाँ से मिला है, आपने अच्छा टूर्नामेंट खेला है। आप अपनी तरफ से चनैनी के यूथ्स के लिए कोई मैसेज दें, क्योंकि कैप्टन है आप। हाँ सर, मैं सर ये बोलना चाहता हूँ कि नशे में ना जाएं सर, तो जब भी वो मौका मिले तो खुले फील्ड में आए, यहाँ पे कबड्डी क्रिकेट वॉलीबॉल हर हम यहाँ पे सिखाते भी हैं, खेलते भी हैं। तो है तो दिखाया उस दिन। मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जहाँ पे आए नशे की तरफ ना जाए सर।